अस्सलाम वालेकुम डियर, माँ सुनाओ लगंदर। तो आज मेरा टॉपिक है हाउ टू मेक बीम एंड कॉलम स्टीरअप। तो बहुत अहम टॉपिक है, तो इसलिए आप लोग वीडियो एंड तक देखिए। आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा और थ्योरी भी बताता हूँ। तो आज हम बनाना है, अगर हमारा एक बीम है बीम इसकी हाइट हमारी है, जो कंक्रीट की हाइट है वो है 70 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमने बीम बनाना है, तो इसको हम कैसे रिंग बनाएंगे, इसमें जो रिंग लगेगा वो हमारा कितना लगेगा, उसका साइज हम कैसे बनाएंगे। तो रिंग का व्यू ऐसे होता है, ये हमारा जो कंक्रीट हमारी यानी ये, तो हम इसमें 3 सेंटी स्पेसर देंगे, स्पेस कवर देंगे, तो दोनों साइड में। तो ये हम बनाएंगे 7 सेंटी हमारी कंक्रीट है यहाँ से यहाँ तक, और 25 सेंटीमीटर हमारे यहाँ से यहाँ तक कंक्रीट है। तो ये हमारा स्टीरअप आ जाएगा 64 बाई 19 सेंटीमीटर। तो हमने ये रिंग बनाना है, तो इस रिंग इसके लिए स्टील कितना कटिंग करना है ये बताता हूँ। और उसमें तो दोस्तों ये हमारा 19 हो जाएगा, तो ये हमारा 19 हो जाएगा कवर। तो 64 हमारा ये वाला और ये वाला 64 हो जाएगा, 64 बाई 2। तो और हम इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं कि कितना आता है, ये 128 38, और इसमें हमने प्लस है जो इसका ये 5 सेंटी, ये जो यहाँ होता है ये मिनिमम 5 सेंटी रखने होता है, तो ये इसका जो कॉर्नर है 10 सेंटी ये हो गया। तो ये जो कॉर्नर होते हैं इसके 4 कॉर्नर, ये वाले 1 2 3 4 5, तो ये इसके 5 बैंड आ रहे हैं। तो जितना बैंड होता है, जितने भी बैंड आ रहे होते हैं, यानी इसमें अभी 5 बैंड आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 बैंड इसका जितना डाया है वो माइनस होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम इसमें 10 mm का स्टील का हमारा डाया है, तो हमने इसके 50 सेंटी इसमें माइनस कर देते हैं, क्योंकि 1 सेंटी में 10 मिली होता है, तो 50 सेंटी पाँच सेंटी हमने इसको माइनस कर देना है। तो ये जितना हमारी टोटल आएगी इसमें हम कितनी कैलकुलेशन माइनस करेंगे वो हमारी हो जाएगी 5। तो ये हमारे ये प्लस है, ये भी जमा है, ये जमा है, और ये 5 सेंटी हम इसमें माइनस करेंगे, तो हमारी ये टोटल स्टीरअप की कितनी कैलकुलेशन आती है वो आ जाएगी। हमारे ये टोटल जो हमने स्टील कटिंग करना है ये करना है 171, तो ये हमारा स्टील कटिंग करना है 171 सेंटीमीटर। तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी बताता हूँ कि कैसे स्टील कट करके फिर उसको कैसे बनाते हैं, ताकि कि जो नेव स्टील फिक्सर होते हैं फॉर मैन को नहीं पता होता है वो। तो जैसे ये कॉलम बीम का स्टील रिंग बनाया, इसी तरह सेम कॉलम की भी कैलकुलेशन सेम ही होती है। तो जितना डाया होता है, डाया का रखते हैं, जितना डाया होता है ये कॉर्नर उसके माइनस कर दिए जाते हैं। तो बस बहुत ही आसान है, सादा सा मैं समझाऊंगा, अभी देखते हैं प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। डियर ये बना रहे हैं हम लोग, ये स्टील कटा है, तो उसके बाद में ये रिंग बना रहे हैं, अभी मैं समझाता हूँ कैसे बनाते हैं। हाँ भैया, आप मेरे को बताइए पूरा कैसे रिंग हम स्टार्ट करते हैं। इसका लंबाई 64 बना रहे हैं, इसका चौड़ाई, ये जो आपने कीला लगाया ये क्यों लगाया हुआ? ये लगाए अपना
वो मार्किंग के लिए, मार्किंग के लिए। यहाँ से ये कितना रखा है मीटर से नापो, ये आइए नापो, ये हम रखे हैं देखो डियर, ये हम लोग इसे 64 का हमारा रिंग चाहिए और रखा हुआ है 62.6 मिली है। तो इसी तरह ये वाला कितना है, ये भी हमारे को 19 का रिंग चाहिए और रखा हुआ है 17.5। तो क्योंकि ये जब बैंड होता है वो स्टील आगे होता है, ये बात जहन में रखें। ओके, और उसके बाद में, उसके बाद में अब आप एक नया रिंग बनाओ, वो पीछे कितना मार्किंग किया हुआ, वो अपना 10 सेंटी और वो सही है, देख सकते हैं वो जो हम लोगों का ये बैंड आता है, वही अभी आप देखते हैं कि कैसे बना रहा है। पहले इसने लंबा साइज लिया फिर छोटा, अभी जो 19 सेंटी बनना है वो बैंड मार रहा है। थोड़ा सा जब टेढ़ा हो जाता है तो उसको सीधा लाइन में कर लेते हैं। अभी जो सेकंड मार्किंग था 62.5 का, उससे बैंड किया तो ये 64 अभी मिलेगा, देख सकते हैं। अभी सिर्फ जो 5-5 सेंटी बैंड करते हैं वहाँ, क्यों हम लोग 1-2 सेंटी का ज़्यादा करते हैं ताकि 5 सेंटी से काम ना हो, तो ये क्रीमर 7-8 सेंटी हो जाता है। वर्कर को बोल करके 5 सेंटी से काम होगा तो कल सेंटर जो है वो रिजेक्ट कर देता है, इसलिए 1-2 सेंटी ज़्यादा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये हो गया हमारा रिंग रेडी, ये हमारे 5 कोने आ गए, देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और नीचे वाले ये 5, तो 5 इसमें बैंड होता है। ये जो 5 सेंटी में बैलेंस के लिए बोल रहा हूँ, हमारा रिंग रेडी, इसकी पैमाइश करो कितना बराबर है अपना, 65 आ रहा है, 64। ओके 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 साइड में, ओके गुड, बहुत अच्छा। ओके ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए इंशाल्लाह।